माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सीबीआई और ईडी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं कि जो हेलीकॉप्टर घोटाले में जो इन्वॉल्व पाए गए हैं मिस्टर हस के और एडवोकेट गौतम खैतान, जो हिंदुस्तान की दूसरी अन्य कंपनियों में भी इसी प्रकार से इन्वॉल्व पाए गए हैं, वहां पर भी उन्होंने इस प्रकार के करप्ट प्रैक्टिस उनकी पाई गई है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सेबी का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें सितंबर 2009 में ये दोनों एमआरएमजीएफ में डायरेक्टर थे। एमआरएमजीएफ ने लोगों को किस प्रकार से करप्ट किया कि मेरे एक सहयोगी को, जो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, उनको दुकानें लेना और बेचना, इस प्रकार के काम धंधे में लगा दिया। और दुकान, हाँ, स्किल डेवलपमेंट 50 लाख रुपया खुद का डालो और 3 साल में 5.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करो। पहले हमने सुना था कि जीजाजी इस प्रकार से धंधा करते थे हरियाणा में, लेकिन अभी साले साहब भी यहां इस प्रकार का धंधा करने लगे। मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट उपस्थित है, डॉक्यूमेंट और इस प्रकार का। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, ईडी और सीबीआई ने ये हस्के की और उनकी गौतम कैतान की सभी एक्टिविटी जो जो कंपनियों में इन्वॉल्व थे एमआरएमजीएफ ने किस प्रकार से किकबैक साले साहब को दिए, वो साले साहब का किकबैक सब जनता के सामने आना चाहिए, ये मेरी मांग है।